हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं नंबर फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू राइट उस वीडियो में हमने हर एक टाइप के कंसेप्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था स्टूडेंट्स उसमें एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है तो कैसे फाइंड करोगे सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 पॉइंट वन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज लीस्ट फाइव रेशनल नंबर्स कितने रेशनल नंबर लिखने फाइव रेशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट माइनस वन एंड जीरो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी नंबर दिया है उसके नीचे अगर कुछ ना दिया हो तो वन लिखेंगे बिकॉज इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे दोनों का बेस ऑलरेडी सेम दिया है अगर आप नंबर लाइन की बात करें तो बीच में जीरो आता है इस तरफ वन इस तरफ माइनस वन तो माइनस वन और जीरो के बीच में ऐसे तो कोई नंबर दिखता नहीं है हमें तो पांच नंबर लिखने को बोला है दोनों का बेस यहां पे सेम है इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को कोई भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो मैं टेन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी मैं क्या करूंगा टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा माइनस टेन अपॉन टेन एंड जीरो टेन या जीरो अपॉन टेन क्लियर है ओके okay. अब यहां पे माइनस टेन से लेके जीरो के बीच में कितने नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन राइट लाइक लाइकवाइज बहुत सारे नंबर्स यहां पे आते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे हमें तो पांच ही नंबर लिखने हैं तो लिखेंगे माइनस नाइन अपॉन टेन माइनस एट अपॉन टेन माइनस सेवन अपॉन टेन माइनस सिक्स अपॉन टेन एंड माइनस फाइव अपॉन टेन आर फाइव रेशनल नंबर बिटवीन माइनस वन एंड जीरो कुछ स्टूडेंट्स गलती यहां पर ऐसे करते इसके बाद वाला लिखते माइनस इलेवन इन दोनों के बीच में लिखना है स्टूडेंट्स राइट right? तो इसके लिए नंबर लाइन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज माइनस टू एंड माइनस वन चलो यहां पे सबसे पहले नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे दोनों के नीचे अब माइनस वन और माइनस टू इन दोनों के बीच में ऐसे तो कोई नंबर नहीं होता है लेकिन दोनों का बेस क्या है सेम तो हम कोई भी नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम टेन से कर देते <coughs> तो माइनस ट्वेंटी अपॉन टेन एंड इधर माइनस टेन अपॉन टेन चलो अब माइनस ट्वेंटी इस माइनस ट्वेंटी है और इधर माइनस टेन इधर जीरो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ फाइव तो माइनस नाइनटीन टेन माइनस सेवनटीन अपॉन टेन माइनस सिक्सटीन अपॉन टेन माइनस फिफ्टीन अपॉन टेन आर फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन इज इट क्लियर चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखे स्टूडेंट्स थर्ड नंबर में आप देख सकते हो माइनस फोर अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन थ्री यहां पे दोनों का बेस सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका बेस सेम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स राइट right? चलो इसका बेस सेम बनाना है तो बेस का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर फाइव और थ्री का एलसीएम निकालेंगे चलो तो फाइव और थ्री का एलसीएम निकाले सो थ्री वन जा थ्री फाइव का फाइव फाइव वन जा फाइव वन तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन एलसीएम मिला तो यहां पे माइनस फोर अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन थ्री नंबर लिख दिया एज इट इज चलो इसको फिफ्टीन बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई थ्री से ऊपर नीचे और इसको थ्री को फिफ्टीन बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव से चलो माइनस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन एंड माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन चलो तो यहां पे दो चीज मिली एक माइनस ट्वेल्व मिला और एक माइनस टेन मिला इन दोनों के बीच में सिर्फ माइनस इलेवन एक ही नंबर पॉसिबल है लेकिन हमें तो कितने बोले हैं फाइव तो हम क्या करेंगे इसको और कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले दो समय तो बेस दोनों का सेम था इसलिए हम डायरेक्टली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते थे यहां पे पहले हमने बेस को सेम बनाया फिर हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई तो मैंने इधर टेन लिया आप कोई भी नंबर ले सकते हो चलो तो माइनस वन ट्वेंटी अपॉन वन फिफ्टी एंड माइनस हंड्रेड अपॉन वन फिफ्टी अब देखो माइनस वन ट्वेंटी और माइनस हंड्रेड इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर है हमें पांच ही लिखने हैं तो माइनस वन वन नाइन अपॉन वन फिफ्टी माइनस वन वन एट अपॉन वन फिफ्टी माइनस वन वन सेवन अपॉन वन फिफ्टी वन वन सिक्स अपॉन वन फिफ्टी वन वन फाइव अपॉन वन फिफ्टी आर फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस फोर अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन थ्री इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज माइनस वन अपॉन टू एंड टू अपॉन थ्री सबसे पहले दोनों का बेस सेम नहीं है तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई एलसीएम चलो टू और थ्री का एलसीएम कितना मिलेगा सिक्स तो टू को सिक्स बनाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई ऊपर भी थ्री से थ्री को सिक्स बनाने के लिए यहां पे टू से ऊपर भी टू से चलो थ्री वन जा थ्री टू थ्री जा सिक्स एंड टू टू जा फोर अपॉन सिक्स चलो एक तरफ माइनस थ्री है और एक तरफ फोर है बीच में माइनस वन भी आता है सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री पांच नंबर हो गए तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली लिख देंगे minus 2 upon 6 minus 1 upon 6 0 upon 6 1 upon 6 and 2 upon 6 over 5 number are 5 rational number between minus 1 upon 2 and 2 upon 3 is it clear students okay Now this was the question number one of exercise nine point one. Now moving to the next question. Question number two. That is, write four more rational numbers in each of the following patterns. इसके आगे और आपको चार रेशनल नंबर लिखने हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस माइनस सभी टर्म्स है तो इसके आगे वाला भी आएगा अब देखो थ्री वन जा थ्री टू सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व तो सारे थ्री थ्री का टेबल दिया हुआ है और नीचे फाइव का टेबल दिया हुआ स्टूडेंट्स राइट चलो तो यहां पर क्या लिखेंगे आ... ट्वेल्व के बाद क्या आएगा माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव फिर थर्टी माइनस थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन और यहां पे थर्टी फाइव फिर माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी तो आगे के चार टर्म ये आएंगे इसका आंसर क्लियर चलो सेकेंड नंबर का आंसर में देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करो माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व सारे नेगेटिव है तो और नेगेटिव ही आएगा वन टू थ्री थ्री के बाद क्या आएगा फोर और नीचे फोर का टेबल है four, 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 eight, four, 12, four, 16, फिर फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर एंड फोर सेवन ज्वेंटी एट तो ये आगे के चार और नंबर आ गए क्लियर है स्टूडेंट्स चलो इसका ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं चलो इसमें भी पैटर्न को ऑब्जर्व करो देखो इधर माइनस ऊपर लिखा है बाकी सब में नीचे है अब ये माइनस को मैं नीचे लिखूं तो भी सेम ही कहलाएगा तो वन अपॉन माइनस सिक्स टू अपॉन माइनस ट्वेल्व थ्री अपॉन माइनस एटीन एंड फोर अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर डैश 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 चलो आगे ऊपर देखो वन टू थ्री फोर तो नेक्स्ट क्या आएगा फाइव फिर सिक्स फिर सेवन और एट हमें चार नंबर लिखना है अब नीचे देखो सिक्स का टेबल है सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जिक्स थ्री जा एटीन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर निक्स फाइव जा थर्टी बट कैसा माइनस फिर सॉरी सिक्स फाइव जा थर्टी सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स सेवन जा फोर्टी टू तो गिव फोर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था equivalent rational नंबर कैसे फाइंड करते हैं चलो तो यहां पे देखो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर ढूंढने हैं कितने चार तो पहला जो नंबर दिया है वो लिखेंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे टू से क्योंकि वन से करेंगे तो यही का यही नंबर मिलेगा जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने को बोले तो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप टू से तो दोनों को टू से मल्टीप्लाई करो तो माइनस फोर अपॉन सेवन टू सा फोर्टीन चलो सेकेंड नाउ द टेक द सेम नंबर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई थ्री से तो टू थ्री सा माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन चलो थर्ड नंबर ले इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? फोर से तो माइनस एट अपॉन ट्वेंटी एट चलो फोर्थ नंबर माइनस टू अपॉन सेवन अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो माइनस टेन अपॉन थर्टी फाइव क्लियर है तो देर फॉर माइनस फोर अपॉन फोर्टीन माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन माइनस एट अपॉन ट्वेंटी एट माइनस टेन अपॉन थर्टी फाइव आर फोर रेशनल फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ माइनस टू अपॉन सेवन क्लियर है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से आप चार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख सकते हो चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो फाइव अपॉन माइनस थ्री चलो फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को टू से तो फाइव टू से टेन माइनस सिक्स सेकेंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप थ्री से तो फाइव थ्री झा फिफ्टीन थ्री थ्री माइनस नाइन तो थर्ड किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से फाइव फोर सा ट्वेंटी और माइनस ट्वेल्व फोर्थ किससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव और माइनस फिफ्टीन द फॉर आंसर इज वॉट टेन अपॉन माइनस सिक्स फिफ्टीन अपॉन माइनस नाइन ट्वेंटी अपॉन माइनस ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस फिफ्टीन आर फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ फाइव अपॉन माइनस थ्री क्लियर चलो थर्ड वन इज फोर अपॉन नाइन चलो थर्ड में फोर अपॉन नाइन है तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फोर अपन नाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से चलो फोर टू झा एट नाइन टू एटीन सेकेंड थ्री से मल्टीप्लाई करें तो फोर थ्री झा ट्वेल्व नाइन थ्री झा ट्वेंटी सेवन चलो फिर फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर फोर जा सिक्सटीन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स एंड फोर्थ नंबर फोर अपॉन नाइन को अब किससे मल्टीप्लाई करने का फाइव से

इन दिस वे यू कैन फाइंड द इक्विवरेंट रेशनल नंबर सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आ गया होगा सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल थैंक यू